जनपद के जो 20 बड़े गांव दलित समाज के हैं उनके बीच में जाकर के उनके विचारों से अवगत हों और उन विचारों को लेकर के उनसे मांग पत्र भरवाएं और उनको हम ऊपर तक पहुंचाएं। आज हमारी पार्टी और ख़ास तौर से हमारे जो जननायक हैं राहुल जी, वो पूरे हिंदुस्तान में आज लीड करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक अभियान शुरू हो रहा है कल से, जिसका नाम है दलित गौरव संवाद। कांग्रेस पार्टी दलितों को लेके चिंतित है, उनको उनकी दूरदर्शा के जो इन सरकारों ने दूरदर्शा की है उसके खिलाफ हम दलित गौरव संवाद करेंगे। जनपद रामपुर में आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का एक अभियान शुरू हो रहा है कल से, यानी 12 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद। कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए अभियान चला रही है। जिन सरकारों ने दलितों की यह दुर्दशा की है उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दलित समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, ग्राम प्रधान हैं, BDC मेंबर और जो भी आम जनमानस हैं, उनसे एक मांग पत्र भरवाएंगे। दलितों के उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे दलितों का उत्थान हो सके और उनका विकास हो सके। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आज जैसे कि अभी हमारे शहर अध्यक्ष महोदय ने, नुमान खान साहब ने बताया कि 9 अक्टूबर को मानेवर काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया, गौरव दलित गौरव संवाद। उसके माध्यम से उन्होंने हम सब जिलाध्यक्षों को, शहर अध्यक्षों को, कांग्रेस के सब वरिष्ठ जनों को निर्देशित किया कि आप सब लोग मानवर काशी राम जी के विचारों को लेकर के गांव दलितों के बीच में आप जाइए और उनकी जो विचार थे उनसे अवगत कराने का काम और उसी के तहत मांग पत्र भरवाने का काम। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों के उत्थान की बात की है, उसी में उन्होंने, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से आरक्षण के तहत दिया कि जो गरीब कुचला वर्ग था उसको आरक्षण देकर के उनको उत्थान की बात की। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये सब चीज़ दबी हुई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि सभी कांग्रेसजन दोबारा से हम लोग इस अलग को जगाएंगे कि दलितों को कहीं शोषण नहीं हो, दलितों के उत्थान की बात हो और उसी में मांग पत्र भरवाने की कि जो एक दलित समाज का जो पिछड़ा वर्ग में से जो पढ़ा लिखा वर्ग है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन लोगों से हम विचार विमर्श करेंगे और उनसे एक मांग पत्र भरवाएंगे कि हम और दलितों के उत्थान के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक तय किया है कि हमारे शीर्ष नेता कि जनपद के जो 20 बड़े गांव दलित समाज के हैं उनके बीच में जाकर के उनके विचारों से अवगत हों और उन विचारों को लेकर के उनसे मांग पत्र भरवाएं और उनको हम ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि जो भी आज की तारीख में पिछड़ा वर्ग रह गया है, जो पिछले दलित वर्ग रह गए हैं और जिनका उत्थान किसी वजह से नहीं हो पाया है, जिनका ये अभी भी दबे हुए हैं, तो उनको कैसे किस तरीके से उनके विचारों को लेकर के हम अवगत कराएं और उस पर एक रूपरेखा तैयार करके आगामी जैसे भी, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पूरे देश में एक हाहाकार, एक बिल्कुल तानाशाही का जो माहौल बना रखा है, तो और उसमें खास तौर से दलित वर्ग ज़्यादा पीड़ित है, तो उनके उत्थान के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसी को लेकर के हम लोग। तो क्या मौजूदा सरकार में दलितों का शोषण हो रहा है? बिल्कुल, दलितों का, पिछड़ों का, सबको और महिलाओं का खास तौर से। और आप देखिए किस खूबी के साथ वो लोग, अभी उन्होंने जैसे आपके सामने देखा कि एक महिला आरक्षण बिल जो एक कांग्रेस के टाइम से एक लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, यही लोग पास नहीं होने देते थे, आज उन्होंने उस विधेयक को पास कराया भी संसद में, लेकिन उसको लागू कब करेंगे, 10 साल बाद। तो उसको लागू करना और ना पास कराना ना कराना एक ही बात हो गई। तो भाजपा का तो एक तानाशाही रवैया है, इस सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ पूरे मुल्क को एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का पूरा पूरा काम कर दिया है
और वो दिन दूर नहीं कि जब हम लोग शीघ्र, अगर ये शासन रहा तो इस शासन के तहत, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, जालिमों का करीब जुल्म ज़्यादा दिन नहीं रहता, तो बहुत जल्दी 2024 में ये लोग पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है, अभी इससे पहले आपने भारत जोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका दी, भाई की कांग्रेसियों को जोड़ी, अब दलित कांग्रेस जो खुद बेरुख हैं और अपने हटे हुए हैं, नाराज़ हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए? नहीं, कांग्रेस में कोई नाराज़ नहीं है, कांग्रेस में सभी लोग एक मत है, और जब संगठन की बात आती है कांग्रेस की बात आती है और ख़ास तौर से जब हम भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े होकर लड़ने की बात आती है तो हम सारे कांग्रेस जन एकजुट हैं और हम सब लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। नहीं, नूर महल में हमारी बेगम नूरबानो साहिबा बैठी हैं, पूर्व सांसद महोदय, और उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट थी और कांग्रेस एकजुट रहेगी, वो हमारी सरपरस्त हैं। नूर महल को बैसाखी पे कहना गलत है, जब तक वहाँ माननीय बेगम नूरबानो साहिबा हैं तो कहीं इस तरह की बात होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी दोबारा आज़ादी की लड़ाई 2024 में होगी, आज जिन कुर्बानियाँ दी थी हमारे आबाव अजदाद ने और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाई थी, आज जनता के द्वारा चुने हुए लोगों ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया जुल्म में, तो आज हमारी पार्टी और ख़ास तौर से हमारे जो जननायक हैं राहुल जी, वो पूरे हिंदुस्तान में आज लीड करेंगे, जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ साथ चलेंगी, मगर वो लीड करेंगे, लीड माने लीडरशिप उनके हाथ में होगी, और जनता ये इस समय इतनी खुश है कि वो चाहती कि आज हमारा कोई इस बुरे वक्त में कोई मसीहा तो आया, कोई हमारे लिए लड़ाई लड़ने तो आया। पूरा हताशा से भरा हुआ माहौल है हिंदुस्तान का, दलित का भी इतना उत्पीड़न हुआ है कि वो भी भयभीत है और इतना डरा दिया है कि लोग वोट भी डालने नहीं जाएं, और यहाँ तक कि उनके वोटर लिस्ट से वोट भी काट दिए जाएं, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी हताशा में भरे हुए हैं। तो उन सब में ताकत भरने के लिए हमारा नेतृत्व ये चाहता है कि इस निर्णायक लड़ाई में हिंदुस्तान फिर मजबूत हो, हमारी जमहूरियत मजबूत हो और संविधान हमारा सुरक्षित रहे, नहीं तो आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से जन चेतना नहीं हुई, लोग में घबराहट रही और अपने वोट डालने भी लोग नहीं जाएंगे, तो आप समझ लें हिंदुस्तान का क्या होगा। तो क्या दलितों को एकजुट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको जोड़ रहे हैं सबको, क्योंकि ये लड़ाई जो है खाली अकेले पे नहीं लड़ी जा सकती, जनता के वोट के द्वारा है। हमारा संविधान ने सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई बड़ा है या छोटा है या दरमियानी है या हिंदू है या मुसलमान या सिख ईसाई, सबको वोट का एक अधिकार दिया है कि अपने वोट के ज़रिए अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुने, मगर आज हालात ये हैं जिनको चुना है वो कहते हैं ये कुछ नहीं, जो हम चाहेंगे वो होगा। तो आज लड़ाई जो है दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, इस लड़ाई में सभी को एकजुट करने का काम हमारे जननायक राहुल जी कर रहे हैं। चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की छापेमारी मुहिम चल रही है, क्या मानते हैं इसको, किस तरीके से? वही हम आपसे कह रहे हैं, अभी हमने यही दोहराया कि हमारा वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा, ये ईडी और सीबीआई तो इतने मायने नहीं रखते, जिस दिन आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा तो मैं समझता हूँ गुलामी की जंजीरों में दोबारा हम जकड़ जाएंगे और मुल्क का बहुत नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हर जनपद में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का एक अभियान शुरू हो रहा है कल से, जिसका नाम है दलित गौरव संवाद। कांग्रेस पार्टी दलितों को लेके चिंतित है, उनको उनकी दुर्दशा के जो इन सरकारों ने दुर्दशा की है उसके खिलाफ हम दलित गौरव संवाद करेंगे, जिसमें हम प्रदेश के जो पढ़े लिखे समाज हैं
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं दलित, और जो आम जनमानस हैं उनसे एक मांग पत्र भरवाएंगे कि दलितों के उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे दलितों को उत्थान मिल सके, उनका विकास हो सके। तो इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम ये 26 नवंबर तक ये अभियान चलेगा और जिसकी शुरुआत कल से होगी। हम हर गांव में जाएंगे, वहां रात्रि पंचायत भी करेंगे, हर गांव में रात्रि पंचायत होगी और दलितों से सीधा संवाद होगा, उनका मांग पत्र भरा जाएगा। उन मांग पत्रों में जो मांगें होंगी उनकी, उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में कांग्रेस लाएगी और उन मांगों को पूरा करेगी सरकार बनने के बाद।